दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हो, जैसे कि आप जानते हो कि आए दिन कई सारे फेसबुक अकाउंट हैक हो चुके हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक अकाउंट को कोई भी हैक ना कर पाए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाले हैं जिसे आप अपने मोबाइल में ऑन कर लोगे तो अगर बाई चांस किसी पर्सन को आपके फेसबुक के यूजर नेम और आईडी पासवर्ड सब पता चल जाएगा, फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में इस सेटिंग को ऑन कर लोगे तो आपके फेसबुक को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कॉर्नर में 3 लाइन मिलेंगी, आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे, नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको यूज टू फैक्टर एथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, ये है वो सेटिंग जिसे आप अपने मोबाइल में ऑन कर लेते हो तो आपके फेसबुक को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा दोस्तों। फिर चाहे आपके फेसबुक का आईडी पासवर्ड पता चल जाए, फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी वो लॉगिन करेगा तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। जब वो OTP आपके मोबाइल पर आएगा तो वो उसे लॉगिन नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करने के लिए क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पहले से ही मेरा ऑन है, तो हम इसे पहले ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसे ऑफ़ कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं इसे ऑन कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर फिर से क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ ऑन करने के लिए यहाँ देख सकते हो टेस्ट मैसेज, आपको इस पर सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। कंटिन्यू करोगे, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हो ऐड मोबाइल नंबर। अगर यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर आप सेट कर दोगे दोस्तों, उसी मोबाइल नंबर पर आपके जब भी कोई फेसबुक को लॉगिन करने का प्रयास करेगा तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हो कि आपके फेसबुक को कोई लॉगिन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, वरना आप वही रख सकते हो और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड गया होगा दोस्तों, वो उस कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो हम उस कोड को देखते हैं, अभी आता ही होगा दोस्तों। जैसे ही कोड आएगा, आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हो तो मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि आपके फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई भी ना हैक कर पाए तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए, हमारा कोड आ चुका है, हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। कोड को फिलअप करने के बाद कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ऑप्शन है, आपको ये ऑप्शन को इससे अलाउ करना है और डन कर देना है। जैसे ही डन करोगे तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली ये सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, अब आपके फेसबुक को कोई भी लॉगिन करेगा तो आपके जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक SMS आ जाएगा दोस्तों, तो जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके फेसबुक को कोई लॉगिन तो नहीं कर रहा है। लॉगिन कर रहा है तो आप वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, ऑन के और ऑफ़ का, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो दोस्तों। मतलब कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।